कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पंजाब कांग्रेस के आंतरिक विवाद को खत्म करने के लिए राज्य का कैप्टन बदला, लेकिन पंजाब के नए कैप्टन के आने से न तो विवाद खत्म हुआ और न ही कांग्रेस की स्थिति सुधरी। नवजोत से सिद्धू अब भी नाराज हैं। कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी और तेज हो गई है। कांग्रेस के जीत की संभावना धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, जिसके कारण हार की ओर बढ़ रही पंजाब कांग्रेस की कमान संभालने वाले सीएम चरणजीत सिंह चन्नी तानाशाह होते जा रहे हैं। विरोधियों की आवाज दबाने में लग गए हैं। कांग्रेस सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाज को लोगों तक पहुंचने से रोकने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। इसके लिए उन्होंने धर्म का सहारा लेना भी शुरू कर दिया है। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की विशेष सुरक्षा यूनिट ने एक आदेश जारी किया। इस आदेश में पंजाब के सभी डिप्टी पुलिस कमिश्नर और सीनियर पुलिस अधीक्षक को विरोधियों की आवाज़ दबाने का नया तरीका बताया गया है। उन्हें कहा गया है कि जहां भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो वहां विरोधियों की आवाज़ सुनाई नहीं देनी चाहिए। इसके लिए सीएम और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने वाले लोगों की आवाज़ को जनता तक पहुँचने से रोकने के लिए उन जगहों पर डीजे लगाया जाए और इस डीजे पर गुरुवाणी या फिर धार्मिक गाने बजाए जाएं ताकि विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों की आवाज़ दब जाए। हालांकि जब इस आदेश का विरोध होने लगा तो सीएम की ओर से सफाई दी जाने लगी। पहले तो लिखने में गलती का बहाना बनाया गया और फिर बाद में बताया गया कि इस तरह के हंगामे से सीएम जनता की आवाज़ नहीं सुन पाते हैं, इसके कारण विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों की आवाज़ को धीमा करने का आदेश दिया गया है। लेकिन जनता की आवाज़ सुनने में तो धार्मिक गाने बजाए जाने से भी परेशानी हो सकती है, जबकि इस आदेश में इसे बजाने की बात कही गई है। ऐसे में यह साफ है कि चुनाव से पहले चन्नी ने तानाशाही का नया नया तरीका ईजाद करना शुरू कर दिया है। इसी में से एक तरीका विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों की आवाज़ को दबाने का है, क्योंकि हंगामे के बाद इस आदेश में सुधार तो किया गया, लेकिन इस सुधार में भी विरोध करने वालों की आवाज़ को लोगों तक पहुंचने से रोकने का उपाय शामिल है और इससे सीएम चन्नी के इरादों का पता चलता है। अब सवाल तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से किया जाना चाहिए, जो हर मंच से पीएम मोदी को तानाशाह कहते हैं, अघोषित आपातकाल की बात करते हैं, लेकिन जब उन्हीं की पार्टी का एक मुख्यमंत्री आपातकाल जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश करता है तो राहुल गांधी चुप्पी साध लेते हैं। राहुल को न तो पंजाब सरकार के ऐसे आदेशों में तानाशाही दिखाई पड़ती है और न ही राजस्थान सरकार के आदेशों से अघोषित आपातकाल की बू आती है। केवल केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा शासित प्रदेशों में तानाशाही दिखाई पड़ती है। ऐसे भी कांग्रेस का तानाशाही का पुराना इतिहास रहा है। आपातकाल लागू करके तो इंदिरा गांधी ने तानाशाह होने का प्रत्यक्ष सबूत दिया था, लेकिन परोक्ष तौर पर तो कांग्रेस के भीतर तानाशाही मानसिकता हमेशा से ही रही है। नेहरू गांधी परिवार की तानाशाही कांग्रेस के भीतर भी रही है और सरकार में भी। कांग्रेस का अध्यक्ष हो या फिर पीएम का पद, कुछ बड़ी मजबूरी को छोड़कर इस परिवार से बाहर के नेताओं को इन पदों तक पहुँचने का सपना देखने पर भी पाबंदी है। अगर किसी ने ऐसा सपना देख लिया तो उसकी छुट्टी तय है और यही कारण है कि पंजाब राजस्थान जैसे कांग्रेस शासित प्रदेशों में आज भी आपातकाल जैसी स्थिति है। तानाशाह मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी केवल केंद्र सरकार और भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों पर आरोप लगाते रहते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।